भारत सरकार के रेल मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार की सुबह हापुड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, जहां भाजपाइयों ने रेल मंत्री का स्वागत किया। हापुड़ के सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने दिल्ली से हापुड़ पहुंचे रेल मंत्री का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, जिसके बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कृषि कानून पर चर्चा करते हुए कृषि कानून को किसानों के हित में बताया, तो वहीं किसानों को समझाते हुए कहा कि किसान किसी के बहकावे में न आए, यह तीनों कानून किसानों के हितैषी कानून है। बाइट पीयूष गोयल रेल मंत्री। तो वही पीयूष गोयल ने किसानों से 2022 तक उनकी आय दुगना करने का वादा करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी। एक क्षेत्र में की जा रही है, मुझे विश्वास है वहाँ के भी किसान इस बात को समझेंगे। आज के माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनने के बाद जो बातचीत के लिए मार्ग और द्वार सरकार के खुले है, उसके माध्यम से उन गलत फहमियों को भी हम पूरा करने में सफल होंगे और आगे चल के आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से कृषि क्षेत्र में और अधिक बढ़ावा हो, उसके लिए हम सब संकल्पित हैं। हापुड़ से अनिल कश्यप, NBC News, नागपुर।